सब्सक्राइब कीजिए नूर फैशन वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नूर फैशन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, मैं आज आपको ये सूट की सिलाई बताने वाली हूँ, जो कि मैंने पिछली वीडियो में इनर वाले सूट की कटिंग करी थी, तो आज मैं उसकी सिलाई बताने वाली हूँ। अगर आपको इसकी कटिंग देखनी है तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इसकी सिलाई करते हैं। मैं इसका नेक बताती हूँ आपको, किस तरीके से आप इजीली तरीके से बिल्कुल बना सकते हो। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं इस तरीके से रखूंगी मेरा फ्रंट साइड कुर्ते का, और जो मेरा इनर है उसको देखिएगा मैं किस तरीके से रखती हूँ। अगर आपका अस्तर का कपड़ा थोड़ा अंदर ही रहेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि अस्तर का थोड़ा सा अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए कुर्ते से। कुर्ते का भले बाहर निकले पर अस्तर का अंदर ही रहना चाहिए, थोड़ा सा बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये देखिए पूरा मैंने मिला लिया है। अब मैं इसको ये ऑल पिन से मैं इसको सेट इसको पिन लगा दूंगी, ताकि ये हमारा जब मैं सिलाई करूँ तो ये खिसके ना। तो मैं इस तरीके से इसको पिन लगा दूंगी, एक एक इधर भी लगा दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सीधा साइड पे अपना इनर रख के और इस तरीके से मैंने पिन लगा दी है। अब मैं इसको इस तरीके से कुर्ते को करूंगी, तो ये हमारा उल्टा साइड है कुर्ते का। अब मैं इस यहाँ पे अपनी जो कढ़ाई है बिल्कुल इससे मिला के एक सिलाई दे दूंगी। चलिए सिलाई देते हैं। अब मैं ये आधा आधा इंच छोड़ के निशान लगा के और इसी निशान पे मैं कटिंग कर लूंगी। फ्रेंड्स, मैं बता दूं जो हमारा आगे का नेक है उसकी लंबाई तकरीबन 8 इंच है। तो इस तरीके से हम नापते हैं तो इसका 8 इंच लंबाई है, और पीछे बैक में मैं 9 लूंगी इसका, इसीलिए मैंने इसका जो शोल्डर है उसको भी कम लिया था। कई बार होता है कि कंधे शोल्डर से अगर तीरा नॉर्मली आप लोगे तो शोल्डर गिरने लगते हैं। तो चलिए इसको काट लेते हैं। कट लगा लेंगे बिल्कुल आराम से, सिलाई ना कटने पाए। और अस्तर को पलटा लेंगे उल्टी साइड। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छे से बन गया, आराम से सिंपल तरीके से। मैंने बुकरम फ्रेंड्स इसमें इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि बुकरम हम अपने नेक की हार्डनेस के लिए लगाते हैं, उसकी थिकनेस के लिए लगाते हैं, ताकि उसमें थोड़ा मोटापन आ जाए। पर हमारा ऑलरेडी इसमें कढ़ाई है तो हमें बुकरम की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये बिल्कुल सिंपल तरीका बताया है। तो चलिए ये अब ये हो गया है हमारा। अब हम इसको कैसे सिलाई करेंगे, अब पूरे अस्तर को हमें अपनी कुर्ती में जोड़ना है। तो देखिए किस तरीके से मैं जोड़ूंगी इसको। अब मैं इसमें सिलाई लगा लूंगी। पहले आप चाहें तो इसमें एक पैर की सिलाई लगा लें, पर फ्रेंड्स इसमें सिलाई लगाने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इसमें स्टोन लगे हुए, इसलिए मैं इसमें सुई से छोटा टांका लगाऊंगी और अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। ये किनारे की सिलाई लगा लूंगी मैं, और फिर उसके बाद में इस तरीके से अपना ये अस्तर इसमें जॉइंट करती जाऊंगी। ये इस तरीके से पूरा नीचे तक ये जॉइंट कर दूंगी मैं इसमें, यहाँ तक अपना अस्तर। चलिए जॉइंट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें इस साइड इस तरीके से पकड़ के मैंने अस्तर अपना पकड़ के और सिलाई लगा ली है। पर फ्रेंड्स, मैं जो ये तो कढ़ाई वाला सूट है, पर जैसे प्लेन होता है तो मैं पहले अस्तर रख के और एक सेंटर में सिलाई लगा लेती हूँ अपने हिप तक।
अस्तर में, ताकि वो खिसके ना। तो मैं इसमें सिलाई लगा लूंगी फ्रेंड, जैसे यहाँ पे लगाई है, हम दूसरे साइड भी इसकी सिलाई लगाएंगे और मैं आपको बैक साइड में बताऊंगी आप मैं किस तरीके से उसमें लगाऊंगी। और इसमें एक बात बता देती हूँ कि जो हमारा अस्तर थोड़ा छोटा था तो मैंने जो इसमें फोल्ड करने के लिए अपना दूसरा कपड़ा लगाया है 2 इंच का, 2-3 इंच का, और उसको ऐसे फोल्ड कर दिया है। चलिए बैक साइड का बताती हूँ मैं इसमें। यह हमारा बैक साइड का इनर है और ये हमारा बैक साइड का जो कुर्ता है वो है। तो इसमें किस तरीके से लगाऊंगी मैं, उसी साइड उसी तरीके से पकड़ना है। ये हमारा लेस जो है कि जो लगी हुई थी, मैंने आपको बताया था कि ये लेस लगी हुई है इसमें, पर वो कपड़ा फोल्ड नहीं था तो मैंने इसमें 2 इंच कपड़ा छोड़ा था और वो उसको फोल्ड करके फिर उसके ऊपर लेस लगा ली है। तो ये हमारा सीधा साइड है जो कुर्ती का और ये हमारा उल्टा साइड है। उल्टे साइड से हम इसमें अपना इनर रखेंगे ये इस तरीके से। तो अब इसको इस तरीके से रखना है और पूरा सेंटर जो है इसका, सेंटर में मैं एक सिलाई लगा लूंगी पूरा अपना हिप तक सिलाई लगाऊंगी इसमें। मैं अपने हिप तक पहले एक सीधी सिलाई लगा लूंगी, फिर बाद में जब पूरा यहाँ से साइडों से भी मैं सिलाई लगा लूंगी तो उसको मैं निकाल दूंगी। तो चलिए पहले इसको सिलाई दे देते हैं बिल्कुल सेंटर में। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको सेंटर में सिलाई लगा ली है पूरा। अब मैं इसको साइड से भी जोड़ दूंगी। पहले मैं अपना शोल्डर जॉइंट करूंगी यहाँ से। अस्तर आपका थोड़ा अंदर ही आना चाहिए फ्रेंड्स। पहले मैं ये साइड से जॉइंट करूंगी, फिर ये मैं आर्म होल जॉइंट करके फिर अपनी जो फिटिंग का रहता है उसको जॉइंट कर दूंगी। ये इस तरीके से इसको पूरा जॉइंट कर दूंगी। चलिए मैं आपको जॉइंट करके फिर दिखाऊंगी। फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसमें चारों तरफ से अपनी सिलाई लगा दी अच्छे से, और जो इसके सेंटर में मैंने सिलाई लगाई थी ताकि मेरा कपड़ा खिसके ना, वो भी मैंने निकाल दी है। तो अब फ्रेंड्स इसका मैं इसमें प्लेट्स में किस तरीके से लगाऊंगी, क्योंकि डबल कपड़ा है, अगर मैं इस तरीके से पकड़ूंगी तो हो सकता है कि नीचे वाला कपड़ा ना आए या आगे पीछे हो जाए। तो आप पहले किस तरीके से इसको करेंगे, आप पहले इसमें ऐसे सीधी सिलाई लगा लेंगे, यहाँ तक पूरी सीधी सिलाई लगा लें दोनों में, और उसके बाद पकड़ोगे तो वो नीचे का कपड़ा भी आ जाएगा। तो चलिए पहले सीधी सिलाई लगाती हूँ फिर मैं अपनी प्लेट लगाऊंगी। आ जाइए दिखाती हूँ। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब मैं इसको इस तरीके से पकड़ूंगी तो दोनों कपड़े हाथ में आ जाएंगे। अब ये यहाँ से इस तरीके से नोक बनानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सिलाई लगा ली है। ये इस तरीके से आएगा और सीधे साइड से ये इस तरीके से आएगा। हमने 2 प्लेट्स लगा ली है। अब हम इसका बनाएंगे नेक। इसके पीछे नेक में मैं बुकरम देने वाली हूँ। तो चलिए, बुकरम हमारा जो पीछे का नेक है उसकी लंबाई है 9 इंच। तो ये मैंने कपड़ा लिया है और ये बुकरम है। इसको देखिएगा मैं किस तरीके से, ये मैं पूरा 10 इंच लिया है बुकरम, और जो इसकी ब्रॉडनेस है वो मेरे को 3 इंच रखनी है। गोल नेक बनाऊंगी फ्रेंड्स में, ये 9 इंच रखना है इसका। और फ्रेंड्स यहाँ से आपको जितना चौड़ा रखना है उतने चौड़े पे आप निशान लगा के इसको इसकी कटिंग कर लें। अब फ्रेंड्स जो हमारा कपड़ा है उसके ऊपर देखिए कैसे सेट करना है हमें। इस तरीके से कपड़ा रखना है और अपनी इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से रख के हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। चलिए सिलाई लगाते हैं।
फ्रेंड्स, अब हम इसको इस तरीके से मोड़ के किनारे की सिलाई लगाएंगे। अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट लेंगे। अब इसके सेंटर में एक कट लगाएंगे हम और कुर्ती के सेंटर में भी एक कट लगाएंगे। जो हमारा कुर्ती का सेंटर है उसका सेंटर पकड़ के कट लगा लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारी ब्रॉडनेस हमने 3 इंच ली है, एक एक कट हम 3 इंच पे भी निशान लगाएंगे। जो हमारा ये ब्रॉडनेस थी 3 इंच लिया है हमने बुकरम पे, यहाँ पे भी हम 3 इंच लेके और अपना कट लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम अपना जो ये गला बनाया है हमने, इसके ऊपर सेट करेंगे। ये सीधा साइड ऐसे रखना है, मतलब कि सीधा साइड है ये कुर्ते का हमारा, और इसको इस साइड रखना है इस तरीके से कट मिला के। और एक बीच की पहले सिलाई लगा लेंगे ताकि जब हम यहाँ पे सिलाई लगाएं तो ये खिसके ना। तो ये इस तरीके से हम सेंटर में बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। सेंटर में सिलाई लगा के हम ऐसे आ जाएं इस तरफ मिला के, और बुकरम पे नहीं कपड़े पे ही सिलाई देनी है। बुकरम से बिल्कुल टच करके सिलाई देनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको काट लूंगी आधे इंच की दूरी बना के। और गोलाई में कट दे देंगे। बिल्कुल धीरे लगाना है फ्रेंड्स कट, क्योंकि हमारी सिलाई ना कटे। चलिए इसको पलटा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको इस तरीके से हम पलटा लेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं इन दोनों के शोल्डर जॉइंट करूंगी, तो देखिए किस तरीके से जॉइंट करूंगी मैं। इस तरीके से मेरे को ये अपना रखना है, और ये सीधा साइड मेरे को ये रखा मैंने बैक का, और ये मेरा जो फ्रंट का कुर्ता है इसका मैंने सीधा और सीधा मिला के रखना है इस तरीके से। पर इसको मैं इस तरीके से रखूंगी, ये देखिए, ये इस तरीके से ऐसे सीधा और सीधा दोनों अंदर है इस तरीके से रख के, और मैं यहाँ पे शोल्डर पे इसको सिलाई लगाऊंगी। आइए सिलाई लगाते हैं। दूसरे शोल्डर को भी इसी तरह ज्वाइंट करेंगे। इसको इस तरीके से रखा, ये मैंने अभी नेक खोल के रखा हुआ इस तरीके से, और इसको ऐसे बिल्कुल मिला के रखना है। या तो आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप ये नहीं करना चाहते, तो आप इसको ऐसे किया, पहले हमने इसको ऐसे किया फिर इसको इस तरीके से कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करके फिर ऐसे कर लिया। अब मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी अपनी। दूसरे वाले को भी ऐसे ही कर लेंगे फ्रेंड्स हम। मैंने आपको दो तरीके बताए, आप या वैसे कर लें या फिर जैसे मैंने इसमें सिलाई लगाई थी इसको इस तरीके से करके भी आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ऐसे जब तुरपाई करेंगे हम पीछे बैक पे तो ये इस तरीके से भी हो जाएगा। चलो ये हो गया है। अब मैं इसके साइड जॉइंट करूंगी, कमर की फिटिंग लगाऊंगी फ्रेंड्स मैं इसकी। तो इसको इस तरीके से रखना है, और मैं एक बार फिर से इसमें चौक की मदद से फिटिंग दूंगी ताकि अच्छे से सिलाई लगाओ। हिप तक हमें देना है अपने सिलाई, ये हमारी हिप है यहाँ पे। तो इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे, दोनों साइड इसी तरीके से सिलाई लगानी है। चलिए लगा लेते हैं।
फ्रेंड्स मैंने कमर में सिलाई लगा ली है, हमेशा दो सिलाई लगानी है कमर पे। और एक मैं बात बताना चाहूँगी फ्रेंड्स के इसमें जो सूट है ये कढ़ाई वाला, तो इसमें यहाँ पे साइड में जैसे स्टोन होते हैं जैसे ये भी रह गया, मैंने कुछ स्टोन निकाल दिए थे ताकि ये इनसे सुई टूट जाती है मशीन की हमारी कई बार, तो ये स्टोन तो पहले मैंने साइड से निकाल दिए थे। तो चलिए हमारी सिलाई हो गई है, अब हम अपनी स्लीव्स को देखेंगे। फ्रेंड्स देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला था कि बाजू का कपड़ा 9.5 लेना है हमें यहाँ पर कम पड़ रहा था, तो मैंने इसमें कपड़ा जॉइंट किया है, 2-2 इंच कपड़ा जॉइंट किया है। और अब मैं यहाँ से अपना 9.5 लूँगी इस तरीके से, तो मेरा ये 9.5 ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे निशान आ रहा है। और मैं यहाँ से 5 इंच बॉटम, यहाँ से 5 इंच बॉटम पे और इसको मिला लूँगी। फ्रेंड्स इस पर सिलाई लगा लेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ से फोल्ड नहीं था, ऐसे लेस लगी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे 2 इंच पहले फोल्ड किया और ये लेस ऊपर उसके लगा दी है नॉर्मल जैसे फोल्ड करते हैं अपन। तो चलिए इसको मैं सिलाई लगा लेती हूँ। इसको कटिंग कर लूंगी एक्स्ट्रा कपड़े को। चलिए हम बाजू को सीधा करेंगे, अब दोनों बाजू को इसी तरीके से करना है। और अब मैं इसको लगाऊंगी अपनी कुर्ती के आर्म होल में। अब देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से रखना है इसको। ये कुर्ता है मेरा जो कि सीधा साइड है, इसको इस तरीके से, और जो कट है ज़्यादा हमारा कुर्ती का जो कट है वो इस तरीके से आएगा, जो हमारी कुर्ती का ये जो ज़्यादा कटा हुआ होता है इसको जो हमारे फ्रंट में इस तरीके से लगाते हैं, जोड़ से जोड़ मिलाना है हमको इस तरीके से, और सिलाई लगा देंगे पूरी राउंड में। ये देखिए फ्रेंड्स हमने दोनों बाजू इसमें जॉइंट कर दिए हैं। और अब हमारा जो इसमें काम रहता है वो है यहाँ पे एक किनारे की सिलाई लगानी है पहले, फिर आप यहाँ पे तुरपाई कर सकते हैं, जो नेक हमने ये पीछे का नेक है इसमें फिर आप तुरपाई कर दें। तो फ्रेंड्स मैं आपको अब नीचे से बताना चाहूँगी कि आप किस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं इसमें। ये देखिए इस तरीके से, अगर आप फ्रेंड्स बिगिनर्स हैं तो आप पहले इसमें जो सेफ्टी पिन रहती हैं वो लगा लगा के इसमें पूरे में इस तरीके से इसको पहले सेफ्टी पिन लगा लें और उसके बाद सिलाई करें। फ्रेंड्स ये देखिए हो गया हमारा कुर्ता ये कंप्लीट इनर वाला, और इसकी स्लीव्स भी दोनों हमने जॉइंट कर दी हैं। बस फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।